अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, इस वक्त हम लाहौर से कोटा और ज़्यादा चमन बॉर्डर के सफ़र पे हैं और इस वक्त हम पहुँचे हैं मुजफ़्फ़रगढ़ में। और मुजफ़्फ़रगढ़ में पहुँचते ही इसे थोड़ा सा पीछे हमें इंकशाफ हुआ कि इसका जो बैक कैरियर होता है ये सुजुकी की मेहरबानी है कि इसकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करते जा रहे हैं और साथ मटेरियल जो है बहुत ज़्यादा डाउन करते जा रहे हैं। और ये जो वीडियो बनाने का मकसद है ये इनको अलर्ट करना है कि जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं दिन ब दिन जो है ना इसके रेट्स जो है ना सुजुकी के इंक्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन इसका जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा डाउन करते जा रहे हैं। ये दोनों बाइक्स इस वक्त आप देख रहे हैं कि मुजफ़्फ़रगढ़ में एक जगह पर मौजूद हैं। ये कैरियर है जिसके ऊपर हमारा टॉप बॉक्स होता है और ये इसका जो है ना ये यहाँ से ब्रेक होता है। अब यहाँ पे वेल्डिंग के लिए हम आए हैं। और अगर हम मैं आपको दूसरी बाइक दिखाऊं कि ये मेरे जो कंपेनियन है फरहान भाई, उनकी भी ये जो बाइक का सेम जो है मसला आया, लेकिन सेकंड दूसरी साइड से आ गए और मुजफ़्फ़रगढ़ में इस वक्त हम मौजूद हैं ये इसकी वेल्डिंग के लिए। कौन से इकबाल भाई? इकबाल भाई लाल ऑटो जरी लाल आटो है मुल्तान मुजफ़्फ़रगढ़ में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये सीट को उतारने के बाद इसकी जो है ना वो वेल्डिंग होगी ताकि वो सीट को नुकसान ना हो। ये ब्रेक चेक कर सकते हैं यहाँ से ब्रेक। जो मेरे टूरिस्ट हजार दोस्त हैं उन सब से ये रिक्वेस्ट है कि जो सफ़र करना चाहते हैं ख़ास तौर पे ये जो लॉन्ग टूर के आदि, इनको ना ये अपना जो कैरियर है ये वाला ये कैरियर चेंज कराना पड़ेगा हर सूरत में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और यहाँ पे टॉप बॉक्स लगाने वाले लोग तो इस बात को समझ रहे हैं कि यहाँ पे वेट होता है और इस वेट की वजह से वो सारा जो है ये जो पाइप टूटे हैं हमारे, ये सूरत हाल है इस वक्त। सफ़र में इस किस्म की मुश्किल या मसाइल आ जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होते हैं। अब यहाँ पे वेल्डिंग करवाएंगे हम चलाएँगे, वापस आने के बाद सोचते हैं कि इसका मुस्तकिल तौर पे क्या हल करना है। इसका कैरियर जो है ना कैरियर चेंज करना पड़ेगा, ज़रा मोटे गेज वाला मजबूत किस्म का जो कैरियर है वो लगाना पड़ेगा। एक बाइक की जो है वो ट्रीटमेंट हो चुकी है यहाँ पे वेल्डिंग, और दूसरी साइड पे भी उसका उसको एक्सपोर्ट कराने लगे हैं वेल्डिंग के लिए ताकि दूसरी साइड से ना वो ब्रेक ना हो जाए। इस बाइक के जो है दोनों तरफ जो है वो वेल्डिंग कर दी गई है। और अब जो दूसरी बाइक है फरहान भाई की, इसका काम शुरू करने लगे हैं, जैसे कि इसका भी रॉड ब्रेक हुआ है और आप इसको ओपन करके इसकी वेल्डिंग का काम करें। ये फरहान भाई ने स्वीट लगाई हुई है स्पोर्ट के लिए, जो टैग के लिए होती है उसको उतार रहे हैं। ये स्वीट उतार दी, इनका ये जो ब्रेक हुआ है ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे वेल्डिंग करने लगे, सलूट है जी सुजुकी वालों को। हाँ जी सलूट है।